हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल ज्योति मेकिंग में। मैं ज्योति आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ स्वेटर में डिजाइन कैसे डाला जाता है। इससे पहले वीडियो में मैं आपको फंदे डालना और बॉर्डर बनाना बताई हूँ। इस वीडियो में मैं आपको स्वेटर में डिजाइन बनाना बताऊँगी। दोस्तों, आपको जब कोई स्वेटर में डिजाइन डालना हो, ब्लाउज में डालना हो या स्वेटर में डालना हो, तो पहले आप उसका बॉर्डर तैयार कर लीजिए। जितना आपको बॉर्डर डालना है उतना बॉर्डर आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद उस पर डिजाइन बनाना स्टार्ट कीजिए। मैं आपको डिजाइन बनाना बता रही हूँ। ये डिजाइन आपको मैं बनाना बता रही हूँ। आप बॉर्डर कंप्लीट पहले कर लीजिए, उसके बाद आप उस पर डिजाइन बनाना स्टार्ट कीजिए। देखिए, मैं पहले क्या कर रही हूँ, मैं ऐसे ही निकाल लेती हूँ। ये जो है इसको साइड में है, इसको ऐसे ही निकाल लेती हूँ और एक सिलाई मैं सीधा बिनूंगी, जिसे चोटी कहते हैं वो मैं बिन लेती हूँ। एक देखिए, एक मैं ऐसे बना ली हूँ। अब क्या करना है, ये चार फंदे के बीच से ऐसे सिलाई को डालना है और ऐसे करके धागा इससे निकाल लेना है। ये मैं धागा निकाल ली हूँ। अब ये जो धागा है इसको इस सिलाई से आगे करना है और ये चारों फंदे को उल्टा बिन लेना है, जिसे गांठ कहते हैं, गांठ बिन लेना है। ये मैं चारों को गांठ बिन ली हूँ। फिर क्या करना है, दो सिलाई सीधा चोटी बनाना है, दो सिलाई को सीधा करके बिनना है। उन धागे को पीछे रखना है और दो को ऐसे करके चोटी बना लेना है। ये मैं दो को चोटी बना ली हूँ। फिर क्या करना है, ये चार फंदे के बीच से ऐसे सिलाई को डालना है और ऐसे करके धागे से निकाल लेना है। ये मैं धागे निकाल ली हूँ। फिर ये धागे को मैं आगे करूँगी और इसको चार फंदे उल्टा बना लेती हूँ, जिसे गांठ कहते हैं। ये मैं चार गांठ बना ली हूँ। फिर धागा को क्या करना है, पीछे करना है और ये दो चोटी बनाना है। ये मैं दो चोटी बना ली हूँ। फिर धागा को मैं ये चार फंदा जो है इसके बीच में मैं सिलाई को डालती हूँ और ये धागा को मैं इस हो के ऐसे निकाल लेती हूँ। और ये धागा फिर आगे करना है और चार को ऐसे ही उल्टा बना लेना है। इसी तरह मैं सारा सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद दूसरी सिलाई आपको फिर बता रही हूँ। ये मैं सेकेंड सिलाई पर आ चुकी हूँ दोस्तों। ये देखिए, मैं सेकेंड सिलाई पर आ चुकी हूँ। अब क्या करना है, यहाँ मैं पांच फंदे ऐसे ही उतार बना लेती हूँ उल्टा। ये देखिए दोस्तों, ये मैं फंदा जो ली थी इसको मैं नहीं बना बिनूंगी, इसको ऐसे ही उतार लेती हूँ। फिर यहाँ जो है मैं छह फंदा गांठ बांध ले बना लेती हूँ, जैसे उल्टा कहते हैं, उल्टा मैं बना लेती हूँ। ये मैं छह फंदा को गांठ बना ली हूँ। अब ये जो फंदा मैं ली थी इसको ऐसे ही सिलाई पर डाल लेना है। ये मैं सिलाई पर डाल दी हूँ। फिर मैं यहाँ छह फंदे ऐसे ही गांठ बना लेती हूँ। बस छह सिलाई ऐसे ही गांठ बनाना है। और फिर क्या करना है, जो मैं फंदे ली थी इसको मैं नहीं बिनूंगी, ऐसे ही इस पर दूसरी सिलाई पर मैं निकाल देती हूँ। इसी तरह मैं पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ।
ये देखिए दोस्तों, ये मैं दो सिलाई कंप्लीट कर ली हूँ। अब मैं तीसरी सिलाई में आई हूँ। ये फिर क्या करूँगी, ये साइड वाला फंदा जो है इसको ऐसे ही निकाल लेना है, और एक फंदा जो ये है इसको क्या करना है, चोटी बना लेना है, सीधा बना लेना है। इसको मैं सीधा बना ली हूँ। अब ये देखिए, ये जो मैं फंदा ली थी इसको ऐसे ही इससे निकाल लेना है, और ये जो धागा था इसको आगे करना है। आगे करके ये चार फंदा जो है इसको उल्टा बना लेना है। ये चार फंदा मैं उल्टा बना ली हूँ। फिर ये क्या कर रही हूँ, इस धागा जो है इसको पीछे कर लेती हूँ, और ये दो मैं सीधा बना लेती हूँ, चोटी बना लेती हूँ। ये जो मैं फंदा है इसे क्या करते हैं, फिर से निकाल लेते हैं, और ये मैं चार फिर उल्टा बना लेती हूँ, और फिर ये दो सीधा बना लेती हूँ, और ये जो फंदा है इसको ऐसे ही निकाल लेना है, फिर चार उल्टा बनाना है, दो सीधा बनाना है। इसी तरह मैं पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये मैं थ्री सिलाई कंप्लीट कर ली हूँ। अब मैं चौथी सिलाई में आई हूँ। चौथी सिलाई में क्या करना है, ये जो मैं फंदा ली हूँ इसको ऐसे ही निकाल लेना है, और ये चार फंदा यहाँ बचा है इसको उल्टा बना लेना है, गांठ बना लेना है। ये देखिए, ये जो फंदा है इसको बिनना नहीं है, ऐसे ही इस सिलाई से निकाल के इस सिलाई में डाल देना है। फिर क्या करना है, छह फंदे को गांठ बना लेना है। ये मैं छह फंदे का गांठ बना ली हूँ। अब ये जो फंदा है इसको ऐसे ही निकाल लेना है। इसी तरह पूरी सिलाई कंप्लीट करना है, छह फंदे गांठ बनाना है और फंदे को निकाल लेना है, फंदे बिनना नहीं है। ये मैं पूरी सिलाई कंप्लीट करके आपको बताती हूँ फिर अगला स्टेप क्या करना है। ये मैं पांचवी सिलाई में आ चुकी हूँ। चार सिलाई मैं पूरा कर चुकी हूँ, अब मैं पांचवी सिलाई में आई हूँ। ये देखिए, ये साइड वाला फंदा जो है इसको हमेशा याद रखना है, ऐसे ही निकाल लेना है। फिर ये मैं एक चोटी जो बनाती हूँ साइड में, ये फंदा वाला जो है इस चोटी के साथ बिन लेना है। ये देखिए, ये चोटी के साथ ऐसे ही बिन लेना है। फिर ये जो चार मैं गांठ बनाती थी, ये देखिए, अब ये मैं चार गांठ बनाई थी, ये चार गांठ वाला और ये एक चोटी, दो चोटी है यहाँ, एक चोटी को ये पांच को ऐसे ही चोटी बना लेना है। ये देखिए, मैं पांच को ऐसे ही चोटी बना लेती हूँ। ये मैं पांच को चोटी बना ली हूँ। अब ये देखिए, ये जो दो चोटी मैं लेती आई हूँ, एक जो चोटी बचा है इसमें क्या करना है, ये जो मैं फंदा ली हूँ इसको ऐसे करके यहाँ लाना है, और इस चोटी के साथ इसको भी ऐसे बिन लेना है। ये मैं इसके साथ ही ऐसे ही बना ली हूँ। अब मैं इस पांच फंदे को ऐसे ही चोटी बनाते जाऊँगी। ये मैं पांच फंदे को ऐसे ही चोटी बना ली हूँ। फिर क्या करना है, इस फंदे को इस चोटी के साथ एक करके एक बना देना है। फिर इसी तरह पांच को चोटी बनाना है, फिर इस फंदे को इस चोटी के साथ बना देना है। इसी तरह मैं पूरी सिलाई कंप्लीट करती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये मैं पांच सिलाई कंप्लीट कर ली हूँ अब मैं छठी सिलाई में क्या करूँगी, पूरी इसमें कुछ नहीं करना है, पूरी सिलाई पूरा को उल्टा बिन लेना है, गांठ बिन लेना है, इसमें कुछ नहीं करना है। डिजाइन हमारा फिनिश हो चुका है। ये मैं पूरी सिलाई ऐसे ही गांठ बना के कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर सीधी साइड से डिजाइन बनना शुरू हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये सिक्स सिलाई भी यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अब ये देखिए डिजाइन कितना सुंदर बना है। सिक्स सिलाई में एक डिजाइन बन के कंप्लीट हो जाता है।
ये देखिए कितना सुंदर डिजाइन बना है। आप इसको स्वेटर में या ब्लाउज में, बच्चे का स्वेटर में या जेंट्स का स्वेटर में, आप किसी भी स्वेटर में आप ये बना सकते हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर सा डिजाइन बना है। इसमें 6 सिलाई में ये पूरी डिजाइन कंप्लीट हो जाता है। आप ऐसे ही बनाइए, जिस स्वेटर में आपको डालना हो आप डाल दीजिए और बनाइए। यदि आपको मेरा ये डिजाइन आपको पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही आपको मैं नया नया डिजाइन आपको बताती रहूँगी। और अब मेरे चैनल पर आप देखते रहिए और बहुत सारे डिजाइन मैं आपको इसी चैनल पर बताती रहूँगी। आइए, आपको मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।